मंडला जिले की निवास तहसील के एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की नौकरी करने वाले 42 वर्षीय मुकेश बैरागी किडनी की बीमारी से पीड़ित है। मुकेश की पत्नी भी उसी स्कूल में शिक्षिका है। दोनों महज 8,000 में जैसे तैसे किराए के मकान में रहकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। मुकेश शुगर की बीमारी से पीड़ित है। मुकेश को नागपुर के डॉक्टर ने बताया कि उसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है और उन्हें डायलिसिस की सलाह दी, परंतु परिवार इतना सक्षम नहीं कि डायलिसिस करा सके। मित्रों की सलाह पर मुकेश का दिल्ली के एक आयुर्वेदिक अस्पताल का इलाज जारी है। उसमें भी 25,000 का खर्चा प्रतिमाह आता है। बीमारी के चलते शिक्षक दंपति नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, वहीं अब आगे इलाज कराने में अक्षम है। जबलपुर ले गए, जबलपुर से फिर कुछ समझ में नहीं आया, सूजन वूजन सब बढ़ने लगी, तो हम फिर नागपुर ले गए। तो नागपुर से ये इलाज हुई है। सबसे पहले तो उनका आँख में दिखना ही बंद कर दिया था, तो आँख का इलाज करवाए हैं। आँख का इलाज होने के बाद फिर उनका शुगर का इलाज करवाए हैं। तो शुगर इलाज करवाते एक महीने बाद फिर डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोल दिया, तो डायलिसिस हमने नहीं करवाए। फिर वहाँ से आए, फिर आयुर्वेदिक दिल्ली का कर रहे हैं। जबकि गरीबी के चलते पीड़ित दंपति को अपने दोनों बच्चे भी अपने भाई के हवाले करने पड़े। अब पीड़ित को सरकार और समाज से मदद की दरकार है। स्कूल संचालक की माने तो स्कूल नहीं आने के बावजूद स्कूल प्रबंधन दोनों लोगों का वेतन प्रतिमाह दे रहे हैं। एक साल से लगातार नागपुर का इलाज चल रहा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा जो है अस्वस्थ हो चुके हैं और हम लोगों ने अपने स्तर से जितना भी प्रयास हो सकता था वो किया, लेकिन अब स्थिति जो है आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है और हम लोग भी अब उतना कर नहीं पा रहे जितना हमें करना चाहिए था। अब तक जितना संभव हो चुका वो हम लोगों ने किया और अब भी करेंगे, लेकिन अब आवश्यकता है कहीं ना कहीं से कि कोई सहायता मिले तभी संभव। जबकि पीड़ित का इलाज अब तक जैसे तैसे परिवार और मित्रों की मदद से होता रहा है, परंतु अब परिवार और मित्रों की भी इतनी हैसियत नहीं कि आगे इलाज जारी रख सके। ऐसे में अब पीड़ित को मदद की दरकार है। दस वर्षों से जानता हूँ और इनकी एक पुरानी बीमारी डायबिटीज़ की भी रही है, जिनका इलाज यहाँ बीच बीच में वो लेते रहते होंगे। हाल ही में भी समझ में आया है कि उनके रीनल फेलियर में जाने की संभावना बढ़ गई, गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए यदि इनके पास में आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनता है, उसका कार्ड होगा, बीपीएल वगैरह में है तो संबल योजना वगैरह के भी लाभ मिल सकता है इनको। तो डिटेल्स उनका हमारे पास यदि आ जाता है तो मैं उसके बारे में आपको जो है डिटेल बता सकता हूँ कि किस तरह की मदद किस योजना के अंतर्गत उनको की जा सकती है। निवास से रोहित चौकसे की रिपोर्ट।